नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौरे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में। और आज से हम पढ़ने जा रहे हैं राकेश यादव सर के क्लास नोट्स, जिसमें हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट टाइम एंड वर्क। और आज से इसमें हर एक क्वेश्चन जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, मतलब राकेश यादव सर के क्लास नोट्स में, उसका हर एक क्वेश्चन का फुल डिटेल वाइज और फुल कॉन्सेप्ट वाइज समझाया जाएगा। जिससे यदि आप राकेश यादव सर के कोई भी नोट्स, क्लास नोट्स हो गया या 7300 या अरिथमेटिक की जो बुक आ रही है, तो इनमें से जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे टाइम एंड वर्क के, सारे जो उसमें मेथड लिखी है उस कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा ध्यान से देखिए, आपको गारंटेड हर एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट में आपको जरूर समझा के रहूंगा। ठीक है मित्रों, तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले कुछ कॉन्सेप्ट कि हम इसको कैसे सॉल्व किया जाता है या कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो एक नॉर्मल से क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज कोई व्यक्ति ए है और ए किसी काम को करता है 10 दिन में, और वही कोई सेकेंड पर्सन मान लेते हैं कोई बी, वो कोई काम करता है 20 दिन में। तो हम कर क्या रहे हैं, यहां से क्या समझाना चाह रहे हैं आपको कि सबसे पहले आपके देखिए कि हम डेटा कौन सा कहां लिखते हैं। तो जब भी हम ए के नीचे और बी के नीचे, मतलब जो पर्सन का नाम है उनके नीचे जो वैल्यू लिखेंगे, वो हमेशा हम वह चीज को रिप्रेजेंट कराएंगे जितने समय में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब यदि ए कोई काम को 10 दिन में कर रहा है तो हमने ए के नीचे 10 लिख दिया, बी कोई काम यदि 20 दिन में कर रहा है तो हमने बी के नीचे 20 दिन लिख दिया। सेकेंड आपको काम क्या करना है, हमेशा इन दोनों का या तीन हो या चार वैल्यू हो, इनका लेना है एलसीएम। सेकेंड काम क्या करना है आपको, ये एक और ये दो वैल्यू दी रखी है, अगर तीसरा पर्सन को होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे पहले इनका लेना है एलसीएम। और इन दोनों का यदि आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ रहा होगा कितना, 20। तो मित्रों जो ये 20 आप एलसीएम मानोगे इन दोनों का, वो आपका रहेगा टोटल वर्क। किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा ये 20। तो हमने दो चीजें सीखी, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके समय को और ये वाला डेटा आपका रिप्रेजेंट कराएगा टोटल वर्क को। अब थर्ड काम आपको क्या करना है, एफिशिएंसी की बात आती है, क्षमता। कि यदि हम अब इसको एक कॉन्सेप्ट वाइज मान के चलेंगे, इसको हमेशा टोटल वर्क इतना मानते हुए हम मानेंगे कि टोटल कितने लड्डू है, कितने 20। यदि ए खाता है इन 20 लड्डुओं को 10 दिन में, कि ए कोई काम 10 दिन में कर सकता था, मतलब उसने अगर 20 लड्डू को 10 दिन में खाए तो एक दिन में कितने खाए होंगे, तो वो हो जाएगी आपकी एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी को हम यहां पर लिख रहे होंगे, तो इसकी एफिशिएंसी जाएगी कितनी, 2। मतलब ए कोई काम यदि 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है और टोटल वर्क यदि 20 है, मतलब एक दिन में कितना काम किया होगा, 2, और एक दिन में 2 काम किया होगा तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, 20। वही बी की एफिशिएंसी की बात करें तो वो 20 टोटल वर्क है और 20 दिन में ले रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मित्रों, 1। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2। तो हमने यहां से सीखा कि ए के नीचे जो वैल्यू लिखी जाएगी वो उसका समय होगा, जितने समय में वो काम पूरा कर रहा होगा। बी के नीचे जो समय लिखोगे वो समय वह होगा जितने समय में बी पूरा काम कर रहा होगा। इन दोनों का लेना है एलसीएम और एलसीएम हमेशा वह रिप्रेजेंट कराएगा कि टोटल हमको इतना काम करना है, मतलब इतनी टॉफी या इतने लड्डू खाने, कितने 20। और 20 लड्डू खाने में यदि ए 10 दिन लेता है तो एक दिन में इसने कितने खाए होंगे, तो इसने 2 खाए होंगे। वही यदि इन 20 लड्डुओं को खाने में बी 20 दिन का समय लेता है, इसका मतलब एक दिन में 1 खाया होगा। तो हमने यहां से 3 चीजें देखी, यहां समय लिखाएगा हमेशा, यहां एफिशिएंसी लिखोगे, यहां टोटल वर्क लिखोगे। तो आइए मित्रों हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ऐसा कुछ है कि ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। तो आप जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन को देखिए, तो सबसे पहले आपको दिया है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, फिर उसके बाद कितने दिन में, 12 दिन में करते हैं। ए कोई काम 10 दिन में, बी कोई काम 12 दिन में करते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। तो हमने देखा कि ए कोई काम 10 दिन में कर सकता है, बी कोई काम 12 दिन में कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेना है एलसीएम, तो एलसीएम इसका आ जाएगा कितना, 60।
इसका मतलब टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास 60, और टोटल वर्क 60 आया तो ए की एफिशिएंसी ये टोटल 10 दिन लेता है, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 6, ये हो गई आपकी एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी की बात करें तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी कितनी 5, 12 पंचे 60 या 12 का भाग दोगे 60 में तो आ जाएगा 5। अब वो क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि यदि दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता, तो करना क्या है आपको, ए ने काम छोड़ा कितने दिन के बाद, 3 दिन के बाद। इसका ये मतलब है कि ए और बी 3 दिन तक तो साथ में थे, और 3 दिन तक साथ में थे तो हम ये देखते हैं कि ए ने एक दिन में अगर 6 लड्डू खाए होंगे, बी ने खाए होंगे 5, तो एक दिन में कितने लड्डू खत्म हो जा रहे होंगे 11, और 3 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया है तो काम टोटल कितना कर लिया 33 काम वो कंप्लीट कर चुके हैं, और हमारे पास टोटल वर्क था कितना 60, तो इस 60 में से यदि आप 33 माइनस कर देते हो तो बचता कितना है हमारे पास 27, तो काम कितना बच गया 27। अब यदि ए ने काम छोड़ दिया तो काम बचा वाला कौन कर रहा होगा, तो बी काम कर रहा होगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो बचा काम बी कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम बचा है 27 और बी की एफिशिएंसी 5, तो 5 एफिशिएंसी से काम करेगा तो ये समय ले लेगा 5 दिन, 2/5 या जाएगा आपका आंसर। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। तो यहाँ पे देखिए बी ने समय दिया 5 सही 2/5 और 3 दिन पहले काम कंप्लीट हो चुका, तो सिर्फ टोटल समय पूछा है, तो टोटल टाइम इक्वल टू हो जाएगा 5 और 3 8 सही 2/5 दिन या घंटे जो समय आपको दिया है। तो आई होप मित्रों आप इसको समझे होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ए और बी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया परंतु कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिनों में खत्म हुआ, मतलब एक चीज समझ में आ रही है कि पूरा काम 9 दिन में खत्म हो रहा है। ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा अगर ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन लेते हैं, तो ए काम में लेता है कितने दिन 10 दिन और बी काम में लेता है कितने दिन तो 15 दिन। सबसे पहले हमको क्या करना है, दोनों की टोटल वर्क निकाल लेना, तो टोटल वर्क आप लोगे तो टोटल वर्क कितना जाएगा 30। सेकेंड काम करना है आपको एफिशियंसी निकाल लेनी है, तो एफिशियंसी इसकी आ जाएगी कितनी, ए की हो जाएगी 3 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 5। ये हमारे पास क्या है टोटल वर्क है, दो काम कर लिया। अब क्वेश्चन को एक बार जब भी आप गणित कर रहे हो तो कम से कम हर क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़िए आपसे, उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम छोड़ देते हैं वह भी चीजें हमारे सामने आ जाती है। तो उसने बोला है कि परंतु कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला गया, अब ए यदि काम छोड़कर गया है कुछ दिनों के बाद और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ है, पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ, इसका ये मतलब है कि ए और बी ने काम करना तो शुरू किया परंतु पूरा काम 9 दिनों तक चला, इसका ये मतलब है कि बी पूरे 9 दिनों तक था, तो बी के द्वारा किया गया काम यदि हम निकालें, बी के द्वारा किया गया काम, तो बी ने एक दिन में 2 लड्डू यदि खाए हैं तो बी ने पूरे आखिरी दिन तक रहा, मतलब 9 दिनों तक, तो यदि हम इसमें 9 का गुणा कर दें तो टोटल बी के द्वारा किया गया काम कितना जाएगा 18, और शेष काम की यदि हम बात करें तो टोटल वर्क हमारा था 30, जिसमें से 9 दिनों में बी ने 18 काम किया तो बचा कितना 12। अब ये अगर 12 काम बचा है तो ए का बी का काम तो निकल चुका है, तो 12 किया किसने होगा, वो किया होगा ए ने, तो कितने दिनों में किया होगा, तो 12 लड्डू खाने हैं, एक दिन में खाता है 3 लड्डू, तो यदि हम 3 से डिवाइड करें तो कितने दिन लगे होंगे इसको 4 दिन। तो मित्रों ये हो जाएंगे 4 दिन इधर के और 2 दिन ये, मतलब 9 दिन ये टोटल काम चला। तो इसने ये पूछा कि कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, तो इसने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा तो 4 दिन। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ा, तो 4 दिन तक तो कुल ए ने काम किया है, ए ने कुल 4 दिन तक काम किया है, मतलब टोटल काम यदि 9 दिन तक चला तो कितने दिन पहले छोड़ा तो 5 दिन पहले। तो यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मित्रों आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस प्रकार दे रखा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे
280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको दिया है कि ए कोई काम कितने घंटे में कर सकता है, तो 15 घंटे में। बी वही काम की बात करें तो बी कर सकता है कितने घंटे में, 20 दिन में। तो सबसे पहले हमारी मेथड अपन जो कर रहे हैं कि सबसे पहले निकाल लीजिए टोटल वर्क। तो टोटल वर्क की बात करें तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 60। और एलसीएम 60 आ जाएगा तो ए की एफिशिएंसी की बात करें तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और बी की एफिशिएंसी की बात करें तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। ये हो गई एफिशिएंसी और ये हो गया टोटल वर्क। अब एक चीज पे गौर कीजिएगा कि यदि ईंट लगाने की बारी आती तो अगर ए पहले बार में ये 4 यूनिट ईंट लगाता है या 4 ईंट लगाता है, तब बी लगाता है 3 ईंट, मतलब ये दोनों मिलकर हर एक घंटे में कितने ईंट लगाते होंगे, 7 यूनिट। तो ए प्लस बी का एक घंटे का काम की बात करें तो 7 यूनिट है। कितने यूनिट, तो 7 यूनिट। अब उसने एक चीज और एक लाइन और मेंशन की है कि वे दोनों साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंटें प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। मतलब यदि 60 ईंटें लगानी है तो वो 12 घंटे में बना दे रहे हैं। तो आप ये देखो कि 60 ईंट को 12 घंटे में लगा रहे हैं कौन, ए और बी जब साथ मिलकर कर रहे हैं तो इनको समय कितना लग रहा है, 5 यूनिट समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 5 यूनिट। एक्चुअल में वो हर घंटे 4 और 3 7 यूनिट उनको ईंट लगानी चाहिए थी, परंतु 7 में मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से बातें करने लगे होंगे, उनको 12 घंटे लग गए। तो हम देख रहे हैं तो 5 यूनिट ईंट लगा पा रहे हैं हर घंटे। तो यहां देखोगे कि हर घंटे कितने यूनिट ईंट कम लग रही है, तो कितने, 2 यूनिट ईंट कम लग रही है। और यही 2 यूनिट का मान उसने दिया है कि कितनी ईंट है, तो 280 ईंटें कम लग रही है, तो 2 यूनिट का मान आ जाएगा 280 ईंट। और अगर 2 यूनिट का मान 280 ईंट आया तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 140 ईंटें। और अगर 1 यूनिट का मान 140 ईंटें, तो उसने बोला कि दीवार में कुल कितनी ईंटें लगी, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 60 यूनिट। और 1 यूनिट का मान यदि 140 है तो 60 यूनिट का मान निकाल लेंगे, तो 60 × 140, तो 2 जीरो का तो 2 जीरो आ जाएगा और 14 से कितना आ जाएगा, 84। तो टोटल कितनी ईंटें लगेगी उस दीवार में, तो 8400 ईंटें। मित्रों आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी और मजा आ रहा होगा। और यदि अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और जो भी फ्रेंड आपके तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसे शेयर कर दीजिए। तो आइए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कम 10 क्वेश्चन जरूर कवर करेंगे, ठीक है मित्रों। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4 कि दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना सकते हैं। कितने घंटे में, 9 और 10 घंटे में बना सकते। अगर वो साथ मिलकर काम करे तो वे 10 ईंटें प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार 5 घंटे में बनकर बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, दो व्यक्ति है तो पहला व्यक्ति काम को कंप्लीट करता है 9 घंटे में कर सकता है, सेकेंड पर्सन उसको कर सकता है 10 घंटे में। सिंपल सी बात है कि टोटल वर्क निकालने की बारी आती है, तो टोटल वर्क आप जानने लगे हैं 9 और 10 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 90। और एलसीएम यदि 90 आ जाएगा तो एफिशिएंसी की बात करोगे तो फर्स्ट पर्सन की एफिशिएंसी जाएगी कितनी, 10, और सेकंड की जाएगी कितनी, 9। यदि अब अपन अपने अनुसार देखें तो पहले घंटे उसको इनको लगाने चाहिए थे 10 ईंट, इनको लगाने चाहिए थे 9 ईंट, मतलब कितने यूनिट काम हो रहा था, तो होना चाहिए था 19 यूनिट। तो फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन के द्वारा हर घंटे 19 यूनिट काम होना था, पर उसने एक चीज की है कि काम साथ मिलकर करे तो 5 घंटे में कंप्लीट होता है। तो 5 घंटे में कंप्लीट होता है, मतलब टोटल वर्क तो आपका कितना हुआ, 19, और समय लग जा रहा है 5 घंटे। 90 काम को 5 घंटे लग रहे हैं तो हर घंटे उन्हें कितनी ईंट लगाई होगी, तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 18 यूनिट। उन्हें कितने यूनिट काम करना चाहिए था, तो 19, पर वो कर रहे हैं 18 यूनिट। मतलब कितना काम कम कर रहे हैं, तो 1 यूनिट काम कम कर रहे हैं, और उस क्वेश्चन के अनुसार उनके द्वारा काम कम किया जा रहा है कि प्रति घंटे 10 ईंटें कम लगाते हैं, तो इसी 1 यूनिट का मान आएगा कितना, 10 ईंट। और 1 यूनिट का मान यदि 10 ईंटा जाएगा तो उसमें लगी कुल ईंटों की संख्या की बात करें तो ये आपका है टोटल वर्क, और टोटल वर्क यदि 90 यूनिट है तो 90 × 1 यूनिट का मान आ रहा है कितना, 10, और 10 का गुणा करोगे तो टोटल
उस दीवार में कितनी ईंटें हैं? 900 ईंटें। तो मित्रों ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवा। तो आपको जितने भी क्वेश्चन जो समझ में ना आए तो कोशिश करिए, क्या होता है कुछ चीजें थोड़ी लेट समझ में आती है तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, चीजें बिल्कुल 100% आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन यदि आपके पास ना हो, बुक ना हो, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 5 कि दो समान लंबाई की मोमबत्तियां क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है। तो ऐसा कुछ दिया है कि दो मोमबत्तियां, पहली 4 और दूसरी जल जाती है कितने घंटे में? 6 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात द्विअनुपात 3 हो जाएगा। तो रेशियो कितना लाना है आपको? 2:3। मित्रों एक चीज समझना, यहाँ दो मोमबत्ती की बात करिए तो मोमबत्ती की एक लिमिटेड ऊंचाई है, दोनों समान ऊंचाई की है, तो दोनों समान ऊंचाई के वो हम नहीं जानते, तो हम मान सकते हैं दोनों का एलसीएम। तो अपने अनुसार जो होता है टोटल वर्क, तो हम ये मान सकते हैं कि पहली मोमबत्ती की ऊंचाई भी कितनी है? 12 मीटर। दूसरी की ऊंचाई कितनी है? 12। तो हम ये मान सकते हैं कि पहली की ऊंचाई भी 12 हो गई, दूसरे की ऊंचाई भी कितनी हो गई? 12। अब अगर हम देखें तो प्रति घंटे ये कितना काम हो रहा है वो चीज तो देखे, तो ये 4 घंटे में अगर पूरी जल के खत्म हो जाती तो प्रति घंटे कितनी जलती है? 3। अगर ये 6 घंटे में पूरी जल के खत्म हो जाती तो प्रति घंटे कितनी जलती है? 2। तो 1 घंटे में 3 जल रही है, तो कितने समय तक जल रही है वो हमको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि 3 घंटे तक जल रही है। तो 3 घंटे प्रति, सॉरी 3, अगर 3 हर बार जल रही है तो कितने समय तक जल रही है? तो 3 समय तक, और ये भी कितने समय तक? तो 3 समय तक। तो 3 समय में ये इतनी जल जाएगी सेकेंड वाली, पहली वाली इतनी जल जाएगी। 12 अगर टोटल ऊंचाई है तो ये कितना जली है? तो ये 3T जल चुकी है एक निश्चित समय में, ये जल चुकी कितनी? 2T। तो जितनी जली उतना हमने माइनस कर दिया। इन दोनों का अगर अनुपात की बात करें तो ये पहली मोमबत्ती, ये सेकेंड मोमबत्ती, और रेशो हो जाता है इसका कितना? 2:3। सॉल्व करोगे तो यहां जाएगा कितना? 36। यहां जाएगा 90 इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 24 माइनस यह जाएगा 4T। और आगे सॉल्व कर रहे होंगे तो हम कुछ ऐसा कर लेंगे, तो इधर 24 आएगा तो बच कितना जाएगा यहां पे? 12। और जब ये जाएगा तो उधर बच कितना जाएगा? 5T। और सॉल्व करोगे तो फाइनली आ रहा होगा 2 सही 2/5। ये आपका आ जाएगा समय, इतने समय के बाद दोनों मोमबत्ती की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो 2/3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में